हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना दोस्त अहमद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉप मिक्सटेप। दोस्तों, जैसा कि आज के लेक्चर नंबर 4 में आपको सिखाने जा रहा हूं प्राइमरी मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है और ये कैसे काम कर रही है। तो इससे पहले नंबर 3 लेक्चर जो था मैंने उसको आपको बताया था कंप्यूटर में बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है और उसकी फुल एक्सप्लेनेशन मैंने कही है। अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो लाजमी से पिछले वाले वीडियोस को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में, क्योंकि इसी सीरीज में आपको सिखाने जा रहा हूँ। कल था हमारा टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आज का टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको ही कंप्यूटर के हिसाब से मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि कंप्यूटर में मेन मेमोरी क्या होती है, तो यही प्राइमरी मेमोरी आपका मेन मेमोरी होता है। द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द सीपीयू। और ये जो मेमोरी होती है, मेमोरी का यूनिट जो होता है डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किससे, सीपीयू से, इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। तभी इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के आप टाइप्स देखेंगे तो टाइप्स आपको फर्स्ट में होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम स्टैंड फॉर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये इसका टेम्पररी मेमोरी होता है कंप्यूटर में। रैम एज ए चिप इज मेड बाय विथ द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और रैम जो बनी होती है वो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। इट वर्क्स ओनली वेन आवर मोबाइल कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन। ये तभी काम करती है जब हमारा कंप्यूटर या मोबाइल चलता है इस तरह से। और उसके बाद रैम के अगर आप सर टाइप्स देखेंगे तो रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर होता है स्टेटिक रैम और डी फॉर होता है डायनामिक रैम। तो कंप्यूटर में ये मेन मेमोरी होती है, ये इसके दो टाइप्स होते हैं एस रैम और डी रैम। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एस रैम स्टैंड फॉर क्या होता है तो आप यही बता सकते हैं स्टैटिक रैम होता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, रोम के हिसाब से। तो रोम का भी मैं आपको बता दूं फुल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कि रोम के टाइप्स क्या होते हैं और रोम दरअसल कंप्यूटर में किस कैटेगरी में आती है। जी फ्रेंड्स, तो रोम कंप्यूटर में स्टैंड फॉर होता है रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी रीड नो राइट ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। अब इस मेमोरी में आप किसी चीज़ को राइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप इसमें से फ़कत रीड ही कर सकते हैं। जो भी आपने पहले से डेटा इसमें सेव की होती है वो उसको ही आप रीड कर सकते हैं और इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। तो रोम के आप टाइप्स देख सकते हैं, रोम के टाइप्स जो होते हैं वो होता है फर्स्ट में पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर होता है प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद होता है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद होता है ई पी रोम। अब ई पी रोम स्टैंड फॉर होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद के साथ आज के लेक्चर में आपने सीखा होगा प्राइमरी मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कौन से कैटेगरी में होती है और ये काम किस तरह से करती है। उम्मीद के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।